बुध 29 अक्टूबर 2024 को रात में 10:24 पर वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए शुभ फल देने वाला साबित होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वाणी कुटुंब के द्वितीय भाव पर बुध गोचर करेंगे। इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ के कारण आप अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रह सकता है। करियर क्षेत्र में आपको विदेश में नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह अवसर आपके सपनों को पूरा करेंगे। व्यापारी जातक भी अपने कठिन परिश्रम के दम पर बुध के इस गोचर की अवधि में अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आर्थिक तौर पर भी यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको यात्रा के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। निजी जीवन में भी जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप वैसे तो फिट और तंदुरुस्त नजर आएंगे, लेकिन आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर बुध गोचर करेंगे। यह गोचर आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य करने वाला है। आप इस दौरान किसी संपत्ति पर निवेश कर सकते हैं। साथ ही आप धन बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। कार्य के लिहाज से आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और आप अपने कार्य से खुश नजर आएंगे। व्यापारी जातकों के लिए यह गोचर लाभ लेकर आया है। इस समय अवधि में आप व्यापार क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे। इस गोचर काल के अवधि में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और उस लाभ को किसी संपत्ति पर निवेश कर सकते हैं। प्रेम जीवन में भी आप अपने रिश्ते को लेकर अति आत्मविश्वासी रहेंगे, जिससे आपके तालमेल और समझ में वृद्धि होगी और आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आप फिट और तंदुरुस्त रहने वाले हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में बुधवार के दिन दूर्बा जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव पर बुध गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। साथ ही आप अच्छे दोस्तों का समर्थन भी खो सकते हैं। करियर क्षेत्र में आपको कार्य में असंतुष्टि महसूस हो सकती है, जिसके कारण आप नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव भी बढ़ने वाला है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके हाथ से कोई अच्छे अवसर निकल सकते हैं। यात्रा के दौरान धन को सुरक्षित रखें, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। निजी जीवन में भी आपसी विवाद और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों में दर्द और तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम गं गणपते नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर, जिससे तुला, वृश्चिक और धनु राशि इस प्रकार प्रभावित होने वाली। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।